ये इधर बकरों का सौदा आ रहा है, इधर भी चलते देखते क्या सीन चाह रहा है इनका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे आप सब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दोबारा से, एक दफ़ा फिर आ गया हूँ मंडी में, तो देखते हैं जाते हैं मंडी में, जो भी नया जानवर है उनके रेट भी लेते हैं, लोगों का नंबर भी ले लेते हैं। कल के नस्बत जो है काफ़ी सारे यहाँ पे जानवर और भी आ चुके हैं, तो चलते हैं उनसे उनका रेट भी पूछते हैं और उनका नंबर भी लेता हूँ, जिसको चाहिए हुआ उनसे कॉन्टैक्ट करके आ सकता है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलना यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो कमेंट लाजमी करके बताना। जो रेट ये लोग दे रहे हैं तो वो लाजमी बता देना कि यार ये रेट मुनासिब हैं, अगर नहीं है तो फिर इनका रेट क्या होना चाहिए। तो चलते हैं और करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। इस तरफ जितने भी हैं ये सब देसी लगे हैं, पीछे जिन भाई के पास कल आया था उनके पास और भी जानवर हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनका भी रेट मैं आपको बताता हूँ। और कुछ ये नए आए हैं आज, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जानवर हैं, मैं इनका नंबर भी ले लूँगा और उनके रेट भी आपको बताता हूँ। ये देसी में आ जाते हैं सारे भाई हैं ये जानवर इनके, तो मैं इनसे रेट भी पूछता हूँ और इनका नंबर भी मैं आपको लोगों को दे देता हूँ। सर इस तक मांग दे निकेता, इसका 180 है, तो ये जरा सामने माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत जानवर है देसी में, लेकिन बहुत खूबसूरत है। रिश्ता क्या मांगते हो? 190। रिश्ता 185। और पिछले भी तो सर दिन उसका क्या मांगते हो? 185। इसका 185 मांग रहे हैं। और ये पीछे पीछे वाले का क्या मांगते हो? गड़िया वो पिछले वाले का वो तुस्ते नहीं, तो मैं अभी नंबर भी इनका ले लेता हूँ। ये भी देसी में लगे हुए हैं, इनके भी रेट पूछ लेते हैं, अगर किसी को पसंद है तो आप आगे इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसका क्या मांगते हो? 160। नाल वाले का 160। वो अगले 185। तो नंबर अपना बता दें, नंबर में इनका ले लेता हूँ, ये नंबर देख के बता देते हैं। 0355 81 47 664। तो ये आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, ये इनका नंबर है, जिसको भाई को चाहिए तो इनसे रब्ता कर लें। शुक्रिया सर। ठीक है। ज़्यादातर आज जो माल आया वो तकरीबन देसी है, क्योंकि पंजाबी माल जो है वो कम नहीं आया हुआ है, ज़्यादातर आज आया है देसी, तो इसलिए कोशिश करूँगा देसियों के रेट ही लूँ, और जो जो पंजाबी नए हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं तो उनके रेट भी ले मैं लूँगा और आपको उनके रेट भी लेके बताता हूँ। क्या माशाल्लाह सहवाली ब्रीड में नया खड़ा हुआ है, इसका रेट भी पूछते हैं। क्या मंगते हो उस्ताद जी? इसका 2.5 लाख रुपए इसका मांग रहे हैं। ये उन्हीं के पास है जिन भाई से कल मैंने आपको नंबर भी लेके दिया था, जिनका ये बैठा था आपने ही देखा था, ये उन्हीं के पास आज नया है, तो अगर जिस भी भाई को चाहिए हो तो उनसे रब्ता करें, क्योंकि नंबर आपको पता है, मैंने नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और सामने स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, जिनको भी चाहिए हो तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। यार आज के दिन में इतना कोई ख़ास जानवर नहीं आए हुए मुजफ्फराबाद मंडी के अंदर, ज़्यादातर जो है वो देसी हैं और कीमतें इनकी इंतहाई ज़्यादा हैं, इंतहाई ज़्यादा हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देसी क्या पंजाबी और क्या साहिवाली, क्या अब क्या बोलूँ मैं, समझ नहीं आ रही, इतने ज़्यादा रेट मांगने के बंदा कहता यार वापस ही चला जाए। तो अभी सोच रहे हैं यार मंडी से निकलें बैर, इधर तो सारा देसी माल ही है, क्योंकि इस तरह ज़्यादा माल कोई आया नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है, या तो मेरे ख्याल से लंपी आ गई इस वजह से ज़्यादा नहीं है, या कोई और चक्कर है। तो सोच रहे हैं यार किसी साइड एरिया भी जाएं, वहाँ पर जाके कोई ढूंढें, अगर वहाँ पर कोई नज़र आता है तो मैं आपको दिखा दूँगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप रब्ता करके उनसे ले लेना। अभी सीन कुछ इस तरह का है, चल रहे हैं यार गड़ी दुपट्टा वाली तरफ, क्योंकि मंडी में तो इतने महंगे जानवर हैं जैसे कोई साफ नहीं, तो जा रहे हैं सीधा गड़ी दुपट्टा, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं, अगर कोई नज़र आ जाता है मैं आपको दिखा दूंगा वहाँ पे भी। गड़ी दुपट्टा रोड पे थे, अभी जा रहे थे पंजाब कॉलेज के पास से, तो बकरे नजर आए, इनका भी रेट पूछता हूँ। क्या सीने महंगाई इतनी ज़्यादा, समझ नहीं आ रही यार बंदा क्या ले क्या ना ले। ये क्या मांगते हो? उसका उसका क्या मांगते हो? 85। इसका 65,000 और 85,000, देख लें ये हालात है। ये काले बेड़े का क्या बंदे हो? काले का 1.10। ये देसी बेड़े खड़ा हुआ है, ये बेड़ा चेक करो जी, देसी बेड़े में 1.10 मांग रहे हैं इसका, क्या करे बंदा। ये मौजूद हैं जी पंजाब कॉलेज मुजफ्फराबाद के पास, क्या मांगते हैं? इसका क्या मांगते हो? 70। उसका 40। ये कितने का? 70,000 मांग रहे हैं इस दुंबे का।
ये रुबानी के रुबानी उधर वहाँ पे खड़े हुए हैं इस टाइम। क्या पता चलते चलते कहीं आगे भी निकल जाए, लेकिन अभी फिलहाल इसी जगह पे खड़े हुए हैं रुबानी। बकरों का सौदा हो रहा है, इधर भी चलते देखते क्या सीन चाह रहा है इनका। अरे दो बकरों का मैं अपने एक बार दोनों के एक बार दोनों के एक बार हो गया ना एक बार आ गया एक भी वही हुआ 18 थोड़ी चीज पीछे ना सोता ना पनो दे छोड़ो जी बिस्मिल्लाह करो ये अभी नगरपुरा में पहुंचे थे, यहाँ पे भी कोई इतने खास नहीं, पिछले साल इधर आए थे तो काफ़ी सारे थे। अभी एक ये खड़ा है 160 का बता रहे हैं इसका। एक ये जी देसी, ये लंगरपुरे पुल क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर है ना, ऊपर वाली जगह पे। इस्ता के मांग इस्ता 180 बता रहे हैं जी इसका। इस्ता के मांग दियो 2 लाख रुपए इसका मांग रहे हैं जी। कितना ना करना चाहिए तो मुझ ही ज्यादा क्या प्यार मोहब्बत है। इस्ता ये वाला इस्ता के मंगदे हो इस्ता के मंगदे हो चिट्टे का 1,85,000 इतना सोच के क्यों बोले यार रेडा दिया सब बोला दिया रेडा ने इसका 1,95,000 उसका रेट क्यों तेज इसका क्यों तेज का छोड़ा मैं पहले ऐसी आया ऐसी तो कट दस यार साउंड सी दो दस हो यार। अभी घर आया हूँ, इतना ज़्यादा थक गया हूँ अभी। यकीन करें सुबह गया था और अभी रात हो गई है, तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं मिला। इतनी महंगाई होगी। घर जो आया हूँ तो देखा यार सब लोग सो रहे हैं, तो मैंने सोचा अब उनको क्या उठाऊँ क्या डिस्टर्ब करूँ, तो अभी बह रहा हूँ लाइट के अंदर। तो मैंने बोला यार व्लॉग यहीं पे एंड कर देता हूँ, तो लाइक करना सब्सक्राइब करना कमेंट लाजमी करना। अब सुबह का ये सीन है कि सुबह हर हाल में लाजमी अपने लिए भी कोई ना कोई जानवर खरीद के आना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कमेंट लाजमी करना, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।